इस तपती गर्मी में चलिए आज हम लोग कुछ ठंडा ठंडा बनाते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ फ्रूट लिए हैं, केला और आम। तो चार केला लिया है मैंने और एक आम लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। आप देख रहे हैं मम्मी की रसोई बाई कुमुद। सबसे पहले केले को छील लेते हैं, यानी कि इसका छिलका उतार लेते हैं। अब इसे काट लेते हैं पीस में, तो इस तरह छोटे छोटे इसके पीस काट लेते हैं। और अब अपने आम के पीसेस को निकाल लेते हैं। तो पहले इसको काट लेते हैं इस तरह। और फिर इस तरह कट मार करके और इसके पीस हम निकाल लेते हैं। इस तरह आसानी से पीस निकल जाता है। तो पहले अपने सभी आम के पीसेस को निकाल लीजिए, जैसे आपको सुविधा होता है वैसे आप काट करके निकाल लीजिए इन्हें। पीसेस निकालने के बाद में चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और अब एक प्लास्टिक के कंटेनर में मैंने बनाना को ले लिया है, तो एक साइड इसी में मैंने केले को रख लिया है और इसी कंटेनर में दूसरी साइड मैं आम को रख लूँगी। तो आप चाहें तो अलग अलग भी, अगर छोटे छोटे आपके पास में डब्बे हैं तो उसमें फ्रिज कर सकते हैं। तो दोनों को मैंने एक ही में ले लिया है और इसे अब 24 घंटे के लिए हम फ्रीजर में 24 घंटे हो गए हैं फ्रिज कर देते हैं। चलिए इसको खोल के देखते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रिज हो गया है, एकदम जम गया है, हार्ड हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हमने लिया है मिक्सी जार और मिक्सी जार में अपने सारे फ्रूट को डाल लेते हैं। थोड़ी सी मिठास के लिए आप चाहें तो 2 चम्मच चीनी डाल लें, वरना अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए तो बस बिना चीनी का भी पीस लीजिए। और चलिए अब इसको हम लोग पीस लेते हैं। इस तरह फॉल्स मोड पर। अब देखिए एकदम स्मूथ पिस गया है। तो अगर इसमें थोड़ा बहुत चंक रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि चंक रह गया तो अच्छा नहीं होगा। तो अब देखिए इसे हम चारों तरफ इक्वली फैला देते हैं, लगा लेते हैं इसमें ढक्कन और फिर से इसे आधे घंटे के लिए रख देते हैं फ्रीजर में। तो आधे घंटे हो गए हैं, चलिए इसे खोल कर देखते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल जम गया है ये अच्छी तरह से। अब चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो मेरे पास स्कूपर तो नहीं है, मैंने इसके लिए चम्मच इस्तेमाल किया है। ये देखिए इतना स्मूथ ये आइसक्रीम बन करके तैयार हुआ है। तो ये फ्रूट से बनने वाला आइसक्रीम आप देख सकते हैं। तो अब चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं और इसमें कहीं कहीं आप देख सकते हैं ना छोटे छोटे आम के चंक्स रह गए हैं, तो वो भी मुंह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रूट है तो काफ़ी टेस्ट भी अच्छा आएगा इसका, क्योंकि बनाना है, मैंगो है और बनाना भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तपती हुई गर्मी में ठंडे ठंडे कूल कूल फ्रूट आइसक्रीम का मज़े लें। तो मिलेंगे फिर ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।
चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा चेरी डाल सकते हैं, जिससे ये कलरफुल लगेगा, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो जैसे आप सजाना चाहते हैं वैसे सजा लीजिए इसको।